स्वर्गीय चिरंजी लालजी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा, यशोधर पहाड़िया ब्यावर राजस्थान, बहन श्री तेज राज जी, श्रीमती मधु ठोलिया पौंडुचेरी, बहन श्री विनोद जी बिंदु ठोलिया जयपुर, पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका भुविक जैन इंदौर मध्य प्रदेश, पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता कुमारी कपिशा काला जयपुर, ससुराल पक्ष अजित जी, गौतम जी, शंभू जी, गज्जू जी पाटनी सेलम तमिलनाडु। जीवम जीवम दव्वम जिन्वर वसेण जेणी दिट्ठम देविंद विंद वंदम वंदेतम सर्वदा शिरसा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सविसाहूढ़म। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युगनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, संसार में रहकर के धर्मात्मा व्यक्ति अपने जीवन में संसार के साथ साथ धर्म की क्रिया करता है और एक पड़ाव पर जाने के बाद वो सोचता है कि मैं अपने जीवन में अच्छे से मरण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लूँगा। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि हम मरण करें कैसे, क्योंकि जब हमने बचपन में खेलना कूदना था हमें, तो हमारे माँ बाप ने, हमारे माता पिता ने हमें अच्छे से अच्छे खिलौने ला के दे दिए। हमें ज़्यादा जानने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमें जब हमने अपना जीवन और आगे बढ़ाया, किशोर अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो हमें बताया गया था हमें पढ़ना है, तो हमने विद्यालय में जाना शुरू किया। अध्यापकों के माध्यम से हमने पढ़ाई करी और वो अध्यापक हमारे माता पिता ने नियुक्त कर दिए थे, उनको चुना था, उसमें भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। युवावस्था में कहा गया कि आपको गृहस्थी बचानी है, संसार में रहना है तो गृहस्थी बचानी होगी। एक कन्या के माध्यम से हमारा विवाह हुआ और विवाह भी बड़े अच्छे तरीके से हुआ। विद्वानों के माध्यम से पंडित जी को बुला करके अच्छे से हमारी सारी क्रिया हुई, हमने शादी कर ली। और शादी करने के बाद गृहस्थी कैसे बसानी है, तो कुछ नीतिकारों ने, कुछ विद्वानों ने, कुछ अध्यापकों ने किताबों की रचना की है, जिसमें परिवार नियोजना, यही कहें कि फैमिली प्लानिंग, उसके माध्यम से हमने अपने परिवार को अच्छे तरीके से बसा लिया। और उसके बाद हमने जब 50 साल पूरे कर लिए, हमने दो पीढ़ियाँ भी देख ली हैं, अपने बच्चों को हमने शादी ब्याह करके बड़ा कर दिया है, उनके बच्चों को भी हमने देख लिया है, और अब हमारे मन में विरक्ति आ गई है, तो हमने व्रत उपवास भी धारण करने की ठान ली है। और व्रत उपवासों को जानने के लिए हमने ग्रंथों को पढ़ लिया है और हमने एक समय साधना काल जो था वो भी हमने गुजार दिया है, अपने व्रत उपवास, अपने आप को साधना, मन कषाय, इन सबको हमने संलेखना भी धारण कर ली है। हमने मरण से पहले कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए ये भी सब जाना, कि मरण से पहले सभी लोगों से क्षमा करके, क्षमा करा के, आलोचना निंदा ग्रह के माध्यम से महाव्रतों को अंगीकार करना होगा। हमने अपने जीवन में संलेखना भी धारण कर ली है, महाव्रत को अंगीकार कर लिया है, लेकिन मन में एक जिज्ञासा खड़ी होती है कि यहाँ तक जो किया, या तो हमने पूछ लिया, पढ़ लिया, या हमें कोई निमित्त के माध्यम से, हमारे बड़े बुजुर्गों के माध्यम से हमें ये सब जानने को मिल गया, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि हम मरण कैसे करें। एक पड़ाव पर पहुँच करके हम वहाँ पर हमारे कदम रुक जाते हैं, हम विचार, सोच विचार में पड़ जाते हैं कि मरण कैसे करें।
कुछ लोगों के मरने की इच्छाएं अलग अलग तरीके से होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि विदेश में जाके मरेंगे, उनका मन होता है कि हम बड़े अच्छे से अच्छे विदेश में जाकर के वहाँ पर प्राण त्यागेंगे। कई लोगों की आखिरी तमन्ना रहती है कि काश हम भी हवाई जहाज़ में बैठ जाएं। कुछ लोगों का मन होता है कि हम पहाड़ों पे जाके मरें। कुछ लोगों का मन होता है कि हम पहाड़ों से नीचे कूद करके आकाश में मरें। कुछ लोगों का मन होता है कि हम अपनी मनपसंद जगह पे मरें। कई लोगों का मन होता है कि हम अपने बेटे के पास मरें। कई बुजुर्गों का मन होता है कि हम अपनी बेटी के घर में मरें। कुछ लोगों का मन होता है कि हम मंदिर में प्राण त्यागें। कुछ लोगों का मन होता है कि हम अपनी माँ की गोद में प्राण त्यागें। लेकिन सही मायने में मरण है क्या? ये तो अपनी इच्छाएं हैं। इच्छाओं से सांसों का त्याग करना वो तो राग और द्वेष हो जाएगा। फिर मरण करें कैसे? कुछ लोग जवानी में मरने की ठान लेते हैं कि भैया बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हम इन जिम्मेदारियों से बचने के लिए क्या करना है, तो एक काम करो मर जाएं तो बढ़िया है। कुछ लोग जरा सी लड़ाई नहीं हुई तो भगवान से कह दिया हे भगवान हमें उठा ले। अब समझ नहीं आता भगवान क्या क्या काम करे। भगवान हमें उठा ले, भगवान हमें बच्चे दे दो, भगवान हमें मकान दे दो, भगवान के भी कितने काम करें। भगवान बेचारा परेशान है क्या क्या करना है। और हमें मरण के लिए भी भगवान से कह रहे कि हे भगवान हमें उठा ले, हे भगवान तू आवजी मार दे हमें, ये मरण नहीं है। सही मायने में मरण है क्या? हम मरण करें कैसे? तो मान भाव आचार्य समन्वत स्वामी जी ने और आचार्य शिवकोटी स्वामी जी ने हमारी इन जिज्ञासाओं का समाधान आज से पूर्व में ही कर दिया। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने आज से लगभग 2300 वर्ष पहले, लगभग दूसरी तीसरी शताब्दी में उन्होंने रत्नाकण्ड शाकाचार्य की रचना करी और आठवीं शताब्दी में आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण में हमारी इस जिज्ञासा का समाधान किया और आचार्य शिवकोटी स्वामी जी ने भी भगवती आराधना में हमारी इस जिज्ञासा का समाधान किया है। मरने से पहले मरने की क्रिया जाने, मरने से पहले की क्रिया क्या है? हमने बाल्यकाल, एक बाल्यकाल एक ऐसा काल है जो हम किसी के अधीन होकर गुजारते हैं। वो खिलौने जो हमें मिल रहे हैं, खाने पीने के लिए जो सामग्री मिल रही है, वो हम कुछ भी अपने माध्यम से नहीं ले सकते। वो छोटे से एक दिन के बच्चे से लेकर के 8 साल की जो उम्र है, ये दूसरे के अधीन है। रो पड़े जरूरी नहीं है वो गोद में तुम्हें उठाए या ना उठाए, और कब तुम्हें गोद में उठा ले कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वो 8 साल की उम्र हमारी दूसरे के अधीन रहती है और 8 साल के बाद 20 साल की उम्र हम पढ़ के गुजार लेते हैं। वो 12 साल की जो पढ़ाई दी है गुरुकुल में, वो 12 साल की पढ़ाई दी है, 12 साल का व्याकरण, 12 साल का ज्योतिष, 12 साल की 12 साल का वास्तु, 12 साल का आयुर्वेद, 12 साल का योग, सब 12 साल की दी है। और उन 12 साल के बीतने के बाद विवाह जो होता है वो हमारी मन से, पसंद से, हमारी इच्छा से होते हैं और उसके बाद हम अपनी गृहस्थी, अपनी मन विचारधाराओं को लेकर के बसाते हैं और उसके साथ साथ हम धर्म करते हैं। और उसके बाद एक पड़ाव जब हम पार कर लेते हैं 50 साल का, जो बाकी की ज़िंदगी बची है वो हम धर्म के साथ गुजारते हैं। हमने सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर दी है, बच्चे, उन बच्चों को शादी करना, पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, उनका व्यापार, ये सब हमने पूरा कर दिया है और उनके साथ साथ उनकी शादी और उनके बच्चों को भी हमने खड़ा कर दिया। अब मन में आता है कि हम क्या करें, तो हम मन में आता है सवाल जब मिलता है कि कुछ अच्छा करो, तो हम व्रत उपवास धारण करते हैं, व्रत उपवास लेते हैं। और व्रत उपवास के साथ साथ संलेखना, संलेखना माने कषायों को क्रश करना और शरीर को क्रश करना, ये संलेखना है। उस संलेखना को लेने से पहले भी, मरण करने से पहले हमें एक व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमारा मरण कराएगा। जैसे
मरीज को ठीक होने के लिए, किसी बीमारी को दूर करने के लिए हमें एक वैद्य की ज़रूरत होती है और एक अच्छे चिकित्सक की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमें अपने जीवन में अगर अपना मरण अच्छा करना है तो पहले एक निर्यापकाचार हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। कुछ लोग निर्यापकाचार का मतलब नहीं जानते और कुछ लोग निर्यापकाचार कब बनाना है ये भी नहीं जानते। निर्यापकाचार का मतलब होता है, जैसे आपकी भाषा में कहें तो फैमिली डॉक्टर, या फिर आपके मननुकूल चिकित्सक या वैद्य। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में जो तुम्हारा अच्छे से मरण करा दे, जो तुम्हारी समाधि करा दे या फिर तुम्हारी नैया को पार लगा दे, उन गुरु को निर्यापकाचार कहा है। वो तुम्हें निर्यापक निर्णय देंगे, वो तुम्हें दिशा दिखाएंगे, उस दिशा में तुम्हें चलना होगा। निर्यापकाचार कैसा हो? जो तुम्हारे मन को समझ सके और जिसके मन को तुम समझ सको, जो तुम्हारी बात को समझ सके, तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, तुम्हें पढ़ सके और जिसको तुमने पढ़ लिया हो। जैसे डॉक्टर बनाते हो कि हमें ये हमारे अनुकूल है। अच्छा चिकित्सक कैसा हो? अच्छा चिकित्सक वो है जो मरीज को बिना कष्ट दिए उसके कष्टों को दूर कर देता है, ऐसा वो चिकित्सक। कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो रो रो के आते हैं, मन नहीं करता अब दोबारा जाएं। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं, जाते हैं मरीज रोते हुए, आते हैं हंसते हुए, उसकी दुकानदारी बड़ी अच्छी है। ऐसी निर्यापकाचार का दिया है कि वो मन की बातों को भी जाने, उसके पास पहला आयु कोश हो। अगर निर्यापकाचार ही 80 साल का है तो तुम्हारी समाधि कैसे करेगा? उसके पास उम्र का कोश हो, दूसरा उस पर वात्सल्य भी हो। ऐसा ना हो कि तुम्हें वो डांटता ही रहे, प्यार भी दे, वात्सल्य भी दे, और उसके साथ साथ वात्सल्य के साथ साथ उसका ज्ञान ध्यान और वो सही मायने में सच्चा गुरु हो। ऐसा निर्यापकाचार मिल गया है तो आप उससे अपनी संलेखना लो। संलेखना धारण कर ली है तो पहले संलेखना में क्या करना है? ये मरण की सारी क्रिया है कि मरण कैसे करना है, तो उन्होंने दिया है कि संलेखना धारण करनी है तो पहले कषायों को क्रश करना संलेखना है। कुछ लोग शरीर को क्रश करते हैं, कुछ लोगों का होता है कि जो मन में आया वैसा त्याग कर दिया। कई लोग छह रस का त्याग कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीठे का त्याग है। अब घर में मीठा बनाया है, पत्नी का मन है कि मीठा खा लो तो वो कहे हमारा तो त्याग है। कुछ लोगों का तेल का त्याग है, अब घी की सब्जी बनानी पड़े वो महंगी है। कुछ लोगों का घी का त्याग है, अब तेल मिल घी मिलता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, या फिर तेल का त्याग कर दिया है तो दिक्कत। कुछ लोगों का नमक का त्याग है, अब कहाँ कहाँ से लाएं नमक, नए नए उपाय खोज रहे हैं, जवाखार लेके आओ, फलाना नमक लेके आओ, दूसरा नमक लेके आओ, ये काला नमक ले लोगे, ये ले लोगे, अब उसकी व्यवस्था बनाने में दिक्कत है। त्याग भी कब करने हैं ये हमें पता नहीं है। कुछ लोग तो अन्न का त्याग कर देते हैं, अब भैया क्या दिक्कत थी अन्न खाने में? अन्न खाने में दिक्कत क्या थी? पहले 500 रुपये में खाना आ जाता, अब वही खाना 500 रुपये में आएगा। पहले तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये था। अब अन्न का त्याग कर दिया है तो अब तो मेवा मावा चलेगी, मेवा के लड्डू, और उसमें सब्जी भी मिलेगी तो खाने को शाही पनीर, बादाम का हलवा। अब रोज़ रोज़ कहाँ से लाएं इतना? पहले 100 रुपये में खर्चा होता, अब 1000 रुपये का खर्चा है एक दिन का। 500 रुपये सुबह, 500 रुपये शाम को, घर वाले बच्चे कह रहे हैं हम परेशान। महीने का 30,000 का खर्चा हो गया है, तनख्वाह 40,000 की है, 30,000 तो अकेला ही खा गया वो, अब 10,000 रुपये में पूरा महीना कैसे चलेगा? इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि त्याग भी करना है तो बहुत सोच समझ के करना है, जो मन में आए वो त्याग नहीं करना है। कुछ लोग गुस्सा आया, चलो हमारा फल का त्याग, मीठे का त्याग। क्यों भैया, किस बात पे त्याग करा? भी फल कौन से जहर हैं, कौन से, किसने मना करा है फल खाने को? मान लो यात्रा कर रहे थे, सब्जी रोटी नहीं मिली और फल दे दिया, लेकिन चलो फल खा लो पेट भर जाएगा, हमारा त्याग है, अब बेचारे के लिए व्यवस्था करो। अब वो भी कह रहे हैं भैया आज तो ले आए, आज के बाद जयराम जी की, अब तुम घर में रहना, यात्रा तुम्हारे साथ करना भैया पाप है, अपनी व्यवस्था बनाए तुम्हारी बनाए।
अपन तो खा रहे हैं 5 रुपए का, तुम्हें खिलाए 500 रुपए का, भैया तुम घर बैठो, हमें तुम्हारे साथ यात्रा ही नहीं करनी। इसीलिए त्याग करने का भी एक अनुशासन बनाया है, मरण से पहले हमें त्याग भी करने होंगे। लेकिन त्याग कैसे करने हैं, हमें अपने जीवन में मरना कैसे है, ये एक सवाल खड़ा होता है। तो महानुभाव ये आचार्य भगवंत समन्वत स्वामी जी ने हमें अपने जीवन में कब कैसे त्याग करके कब कैसे मरण करना है ये बता दिया। और रत्नाकरण शाकाचार्य के माध्यम से गाथा नंबर 127 और 28 में उन्होंने हमारी इस जिज्ञासा का समाधान किया है। दो गाथाओं के माध्यम से उन्होंने बताया है कि हमें कैसे जीवन का मरण करना है और कैसे कैसे क्रम बनाया है। महानुभाव ये हमारा पुण्य है कि मरण की जो विधि है मात्र जैन धर्म में दी है, अन्य किसी धर्म में मरण की विधि नहीं दी। इसके बाद उन्होंने अपनी वाणी को समाप्त कर दिया। लेकिन जैन धर्म में जो मरने की जो कला बताई है, कितने लोग हैं जो मरना नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता मरना कैसे। सिनेमा हॉल में जाकर के, मॉल में जाकर के, या फिर कई लोगों का मन होता है कि हम बस सोते के सोते रह जाएं। आखिरी पड़ाव ये है कि भगवान, हम मांगते भी क्या है भगवान से कि भगवान हम सोते के सोते रह जाएं, हमें कुछ कुछ नहीं करना, बस यही हमारा मरण है। ये मरण नहीं है। मरण मरण तो वो है उस मरण के बाद दोबारा मरण ना हो, ऐसा मरण जैन धर्म में दिया है। महानुभाव आचार्य समन्वत स्वामी जी लिख रहे हैं, आहारम परिहाप्य कर्मचा स्निग्धम विवर्धयेत पानम स्निग्धम चा हाप्यत्वा खरपानम पूरियेत कर्मचा खरपान हाप्य नामपि कत्वा कत्तोव वास अपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास्तनुम तजेत सर्व यत नेन। यहाँ दो गाथाओं के माध्यम से 128 और 127 ये दो गाथा हैं आचार्य समन्वत स्वामी जी की। वो लिख रहे हैं कि जिनने संलेखना धारण कर ली है, मरने के लिए समय भी निर्धारित किया है, आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं, अगर किसी को बड़ी भयानक बीमारी हो जाए, भगंदर या फिर बवासीर या जिसको आप कैंसर कहते हो, ऐसे अंदरूनी फोड़े, या फिर छेद जिसको टीबी की बीमारी का है, या फिर हृदयघात, ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में मरण हो सकता है किसी भी समय में। लेकिन बाकी जो अनुशासित मरण जो दिया है, पहले बाल्यकाल दिया उसमें खेल कूदने के लिए, ऐसा नहीं है बाल्यकाल में आप जो मन में आए वो करो। बाल्यकाल में मरण नहीं कर सकते हो। अगर कोई बाल्यकाल में मरण करता है तो उसकी संहिता अलग है। बाल्यकाल मात्र बालक काल है, वो बालक का समय है, बाल्यावस्था है, उसमें मात्र खेलने कूदने की क्रिया है। कुछ लोग बच्चों को खेलने की जो समय है उनमें खेलने दो, कुछ लोग बच्चों को खेलने के समय में पढ़ने के लिए डाल देते हैं, वो गलत है। आप इतिहास उठा के देखो, जो बच्चे अच्छे से खेले हैं वो बच्चे अच्छे समझदार पढ़े लिखे बने हैं। और जिन लोगों का बचपन आपने छीन लिया, बाल्यकाल अवस्था, उन बच्चों को जिंदगी भर पछताना पड़ता है। उनके मन में कसक रहती है, एक आहार रहती है, एक इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है, ये मन में कसक रहती है कि हम भी काश खिलौने से खेले होते, हम भी काश माता पिता की गोदी में रहा होता, मैं भी माँ की गोद में ऐसे ही जैसे इसके पिता इसको उछाल रहे हैं, काश मेरे माता पिता भी मुझे गोदी में लेकर के उछालते, मैं भी खिलौनों से खेलता, ये उनकी इच्छा रह जाती है। और आज के समय में उन बच्चों में यही इच्छाएं हैं, इसलिए बच्चे दुखी हैं, क्योंकि उनका जन्म होते के साथ ही आप 2 या 3 या 4 साल की उम्र में उन्हें डाल देते हो स्कूल में। खेलने कूदने की इस उम्र में आपने उनको पढ़ने की उम्र में पढ़ने का काम दे दिया है, अब आपने उससे उसका बचपन छीन लिया। किशोर अवस्था में ही आपने जो बच्चा 15, 16, 18 साल का है, आपने उसको नौकरी करा दी है, आपने उसको बिजनेस दे दिया है, तो उससे आपने उसको पढ़ने का जो अध्ययन करने का समय था वो छीन लिया। अब उसके मन में एक कसक रहती है, काश मेरे माँ बाप मुझे छोटी उम्र में बिजनेस ना देते, व्यापार ना देते या नौकरी ना कराते, तो मैं भी पढ़ लेता। उम्र का एक पड़ाव, हर पड़ाव पे एक व्यवस्थित तरीके से आचार्यों ने व्यवस्था बनाई है। 8 साल की उम्र तक खेलना कूदना
जो बच्चे देर से स्कूल में बैठते हैं वो बच्चे समझदार ज़्यादा होते हैं। मात्र पढ़ना लिखना ही ज्ञान नहीं होता है, अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो अनपढ़ होते हैं उनका अनुभव पढ़े लिखों से ज़्यादा होता है। आप दो दुनी चार कहोगे, नौ धाम नब्बे कह दोगे, लेकिन 19 निम्मा कितना होता है ये भी नहीं बता पाएगा, उसको कैलकुलेटर चाहिए। और जो अनपढ़ है वो हिसाब लगा देगा, नौ धाम नब्बे और नौ निम 81, 90 और 81 को जोड़ के बता देगा हो गया इतना। ये अनुभव अलग चीज़ है। हर पड़ाव पे आचार्य भगवान ने पड़ाव दिए हैं, हर पड़ाव की व्यवस्था दी है। 8 साल तक खेलना, उसके बाद 20 साल की उम्र तक पढ़ना, 12 साल का पढ़ने का कोर्स दिए है, इसलिए सारे कोर्स 12 साल के। और उसके बाद विवाह, जो कुछ लोग आजकल जो शादी करते हैं 22, 25, 30, 35, 40, 42, अब 42 साल की उम्र में शादी करी है, अब कब बच्चे को जन्म दोगे, कब बच्चे का लालन पालन करोगे, बच्चे को संस्कार कब दोगे, और फिर 42 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में बच्चे की शादी करोगे। अब खुद ने 42 में करी तो कम से कम बच्चे की तो 25 में करेगा ना, तो 42 और 25 कितने हो गए, 3 कम 70। अब 70 साल की उम्र में जिम्मेदारी, 75 साल की उम्र में जिम्मेदारी से निवृत्त हो गए तो आत्मा का कल्याण कब करोगे। इसीलिए दिया है 20 साल की पहले महिलाएं, बच्चे की शादी अगर 18 साल की उम्र में हो जाती ठीक है, लड़की 18 से बड़ी हुई तो चक्कर आ जाए करती थी, आज तो 28 साल की उम्र में भी चक्कर नहीं आ रहे, पता नहीं कौन सी दवाई खा के माँ बाप पैदा हो रहे। ये व्यवस्था दी है कि 8 साल तक खेलना, 20 साल तक पढ़ना, उसके बाद शादी, उसके बाद प्रौण अवस्था। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने 38वें अध्याय में आदि पुराण में क्रम लिखाया है, ये जो 53 क्रिया है गर्भान्वे, 48 क्रिया क्रियान्वे और 7 क्रिया दीक्षान्वे, ऐसी 108 क्रिया श्रावकों की दी है। उसमें दिया है कि 8 साल तक बाल्यकाल, 12 साल तक किशोर काल, 8 और 12 20 साल, उसके बाद उसके विवाह करने के बाद वो बच्चों को अच्छे से लालन पालन करके बड़ा करे, 40 साल की उम्र में वो बच्चे का विवाह कर देगा, 45 साल में निवृत्त हो जाएगा, 50 साल में वो संयम धारण करे, योग धारण करे, इसलिए 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाया करती थी। और योग धारण करने के बाद 25 साल तक वो साधना करे, अपने आप को साधे, कषाय क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषायें हैं, उनको क्रश करे। कुछ लोगों का मन होता है हमने घर छोड़ा है तो बस सीधा मुनि बनते ही आचार्य बन जाओ, कुछ लोगों का मन होता है कि हम ब्रह्मचारिणी है सीधा गणनी बन जाए, भैया कषायों को क्रश करना हमारा काम है, हमारा काम गणनी आचार्य बनना नहीं है, हमारा काम है आत्म कल्याण करना, 5 महाव्रतों को धारण करना और उसका अभ्यास करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, कषायों को क्रश करना है। और उसके साथ साथ आचार्य समन्वय स्वामी दे रहे, आहारम परिहाप्य कर्मशः स्निग्धम विवर्धयेत मानम, संलेखनाधारी श्रावक क्रम क्रम से आहार को छोड़कर, क्रम से आहार छोड़ना है, ऐसा नहीं जमन में आए आपने जैसे मर्जी आए त्याग कर दिया, 6 रसों का त्याग कर दिया, अन्न का त्याग कर दिया, दूध का त्याग कर दिया, घी का त्याग कर दिया, अब भैया सामने वाले को कितनी दिक्कत हो रही होगी आपके कारण। कई घरों के अंदर लड़ाई इस बात की है, वो तेल खाते हैं उनने तेल का त्याग कर दिया, अब उनके लिए घी का बनाओ, उसके लिए तेल का बनाओ, दो दो चूल्हे रखो। धर्मात्मा कहते हैं कि हमारे घर में लड़ाई होती है, भैया धर्मात्माओं के घरों में लड़ाई क्यों है, क्योंकि धर्मात्मा चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति धर्मात्मा बने, जरूरी नहीं है प्रत्येक व्यक्ति धर्मात्मा हो, तुमने तुम्हारे पुण्य से धर्म धारण कर लिया है, तुम्हें अच्छे निमित्त मिल गए हैं, तो ऐसा नहीं कि तुम टोका टाकी करके सबको ही धर्मात्मा बनाओ, बच्चों को भी तू भी त्याग कर, तू भी त्याग कर, एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, नहीं समझ रहा मौन हो जाओ, लेकिन ज़्यादा टोका टाकी करते हो तो वो परेशान हो जाते हैं, फिर त्याग कर देते हो आप गुस्से में आकर के, और वो बच्चे फिर आपसे परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो आपको उठा करके या तो गुरुकुल में छोड़े आते हैं, साधुओं के पास छोड़े आते हैं, नहीं तो वृद्धाश्रम में। ये वृद्धों की भी कमी है, धर्मात्माओं के साथ भी दिक्कतें हैं, वो चाहते हैं कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वो करें, बड़े बुजुर्ग चाहते हैं मैंने जो किया वही तुम करो, ये गलत है। मरने के लिए भी क्रम दिया है, पहले अन्न का भी त्याग करना है, तो वो जो निर्यापक आचार्य है, वो निर्यापक आचार्य वो जैसे आपको कह रहे हैं वैसे आपको करना पड़ेगा, गुरु के आगे अपनी बुद्धि नहीं लगानी, जैसे वो कह रहे हैं चाहे वो श्रावक हो चाहे वो मुनि हो,
दोनों के लिए दिया है। क्रम क्रम से आहार को छोड़ना है। क्रम माने कभी 5 अन्न का रख लिया, फिर 4 अन्न, फिर 3 अन्न, फिर 2 अन्न, अब अभ्यास हो गया है तो ठीक है भैया, अब हम 1 अन्न से आहार करेंगे। 1 अन्न माने मूंग की दाल ले ली है या फिर गेहूं ले लिया है, गेहूं की ही आपने गेहूं की रोटी ले ली है, हरी सब्जी ले ली है, ठीक है भैया दाल रोटी खा रहे, प्रभु का गुण गा रहे, 1 अन्न हो गया, हरी सब्जी ले ली है, 1 अन्न हो गया और अपना दूध फल लेकर के अपना आहार हो गया, ठीक है संतुष्टि हो गई है। धीरे 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 कम करना है। एकदम ही अन्न का त्याग कर दोगे तो याद रखना, अन्न का एकदम त्याग करने से शुगर भी हो सकती है, शरीर कमजोर भी हो सकता है, बीपी भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि शरीर ये पुद्गल है, जैसे मशीन है, मशीन को भी झटके से बंद नहीं करते। साइकिल भी अगर आप चलाते हो तो एकदम ब्रेक लगाओगे तो टायर घिस जाते हैं, ऐसे ही मशीन, ये शरीर एक मशीन है, इसका भी क्रम दिया है। क्रम क्रम से अन्न, हरी सब्जियां, दालें या रस, 6 रस जो दिए हैं उनका भी क्रम क्रम से त्याग करना है। पहले एक एक दिन का त्याग कर दिया कि हम 6 रस हैं, 6 रसों में सोम, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, इन 6 दिनों में एक एक रस का त्याग करेंगे, अभ्यास हो गया है तो अब ठीक है, अब हमारा जीवन भर के लिए दही का त्याग, फिर जीवन भर के लिए हमने घी या तेल में से एक चीज़ का त्याग कर दिया है, चलो गुरु की आज्ञा लेकर की उन्होंने कह दिया है ठीक है अब तेल का त्याग कर दो, घी खा लेना, घी का त्याग कर दिया है ठीक है, मलाई का इस्तेमाल कर दिया है, घी तेल दही का त्याग हो गया, मीठा नमक और दूध रह गया है, चलो मीठे और नमक में से नमक ले लो, मीठा रहने दो, दूध ले लेना और दूध फिर उसमें दिया कर्मशा, आहार को छोड़कर दूध आदि चिक्कन तरल पदार्थों को बढ़ा में, जो स्निग्ध पदार्थ हैं जैसे दूध है जिनमें स्निग्धता पाई जाती है, पनीर का पानी है, दूध है जिनमें स्वाभाविक, दूध एक संपूर्ण आहार होता है, कुछ लोग दूध का त्याग करते हैं, महिलाओं में दूध कम पीते हैं इसलिए उनके पैरों की, हाथों की, घुटनों की हड्डियां जो है चटकती हैं उठने बैठने में, कैल्शियम की कमी मिलती है, क्योंकि दूध संपूर्ण आहार है जिसके अंदर घी, तेल, दूध, दही, मीठा नमक सब चीज़ होता है। आप एग्जांपल में एक प्रैक्टिकल करके देखना, आप जमीन पे जब दूध गिर जाता है और वो सूख जाता है तो वो जम जाता है, उसको उठाओगे तो उसमें ऐसे करोगे मलोगे तो चिकनाई निकलेगी, दूध को पियोगे तो थोड़ा सा मीठा मीठा भी लगता है, थोड़ा सा फीका फीका भी लगता है, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार माना है। दूध को, भोजन को धीरे धीरे घटा में और दूध को बढ़ा में, और उसके बाद दूध आदि को छोड़कर क्रमशः छाछ, गर्म जल को बढ़ा में। छाछ जो है एक अच्छा पदार्थ है, छाछ माने जिसमें से मक्खन नवनीत में निकल गया है, ऐसे आप अगर छोड़ रहे हो तो शरीर धीरे धीरे क्रच हो रहा है, कषाय भी क्रच हो रही है और अभ्यास भी बहुत अच्छा हो रहा है। छाछ माने दही को, कुछ लोग क्या करते हैं दही को लिया और कपड़े में लेकर के उसको निचोड़ दिया, वो दही है अभी छाछ नहीं बनी है, उसको ज़्यादा हो तो उसमें थोड़ा सा मिक्सी चला दी, ग्राइंडर जिसको कहते हैं, वो कहते हैं हो गया मठा बन गया, मठा बन गया छाछ, ये छाछ नहीं है, इसको मठा है, मठा कहेंगे इसको। छाछ का मतलब होता है जिसमें से नवनीत निकल जाए, ऐसा वो छाछ अगर पीते हो तो शरीर स्वस्थ रहता है, आत्मा की शक्ति वैराग्य के माध्यम से बढ़ रही है और पुद्गल जो शरीर है वो धीरे 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 शिथिल होता जा रहा है। महानुभाव आप सभी अपने जीवन में ऐसा मरण करें, मैं तो यही भावना बाता हूँ कि आप लोगों का ऐसा मरण हो जिससे आप शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें, दोबारा दोबारा मरण करने की आपको आवश्यकता ना पड़े, ऐसा कोई एक मरण करो जिससे दोबारा कभी मरण ना हो। इन्हीं शब्द श्रृंखला के साथ कि मैं यही भावना बाते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव शिव सुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। स्वर्गीय चिरंजी लाल जी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा, यशोधर पहाड़िया ब्यावर राजस्थान, बहन श्री तेज राज जी, श्रीमती मधु ठोलिया पौंडुचेरी, बहन श्री विनोद जी बिंदु ठोलिया जयपुर, पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका भुविक जैन इंदौर मध्य प्रदेश, पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता कुमारी कपिशा काला जयपुर, ससुराल पक्ष अजित जी, गौतम जी, शंभू जी, गज्जू जी पाटनी सेलम तमिलनाडु।